العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات پڑھے محمد چودہ سو چھیالیس ہجری کے عشر ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد توبی گھاٹ میں آج پہلی تقریر آپ سب بات فرما رہے ہیں اور یہاں کی تقاریر کا عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ یقیناً وہ عنوان ہے کہ جو ہر مومن کی حیات کا عنوان ہے اور وہ عنوان ہے مقامات حیدریہ اور اسی موضوع پر انشاءاللہ یہ عشر مجالس مولا کے اذن سے پروردگار کے کرم سے اور فضل علی سے جاری اور ساری رہے گا میں نے اسی لیے یہ بات عرض کی کہ یہ موضوع کہ جسے مقامات حیدریہ کہتے ہیں یہ خود ہر انسان سے سوال کرتا ہے کہ اس کے دل میں حیدر کا کیا مقام ہے اس لیے کہ علی کے یقیناً بہت سے نام ہیں اور تاریخ اسلام میں جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے پھر قیامت تک کی ایک تاریخ معین ہو چکی اور معین ہو رہی ہے
उसमें बहुत कम हस्तियां ऐसी हैं कि जिनके कई नाम हैं, जिनके बहुत सारे नाम हैं, जो कई नामों से पुकारे जाए, वो बहुत कम हस्तियां हैं। और वो हस्ती हमेशा वही होती है कि जिस पे अल्लाह का बराह रास्त फजल नाजिल होता है। और अल्लाह का फजल किसी एक जाविये से नहीं होता, अल्लाह का फजल मुख्तलिफ जाविया है, अल्लाह मुख्तलिफ जावियों से फजल करता है। तो जब मुख्तलिफ जावियों से फजल करता है तो मुख्तलिफ जावियतों से फजीलतें भी अता करता है, और जब मुख्तलिफ जावियतों जावियों से फजीलतें अता करता है तो हर फजीलत का एक नया नाम तारीख इस्लाम अपने अंदर महफूज करती है, हर फजीलत का एक नया नाम होता है। तो जितने जितने किसी भी शख्सियत के फजाइल होंगे उतने ही उसके नाम होंगे। सलामत रहने का जुमला आप तक पहुंचा है, जितने भी फजाइल होंगे उतने ही नाम होंगे। तो अब अल्लाह साहिब फजल है, फजल करता भी है और खुद फजल वाला भी है। सलामत वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े अजीम फजल वाला, बड़े अजीम फजल वाला, वो खुद फजल वाला भी है और खुद फजल अता भी करता है। वो साहिब फजीलत भी है और साहिब फजीलत बनाता भी है। तो अब देखना हमें यह है कि उसने साहिब फजीलत किन किन को बनाया। जुमला आपने महफूज किया है तो यकीनन ये जुमला आप 9 तकरीरों तक महफूज रखेंगे कि हमें देखना यह है कि उसने किन किन को साहिब फजीलत बनाया। और फिर लफ्ज जरा सा एक हर्फ की तब्दीली के साथ कि उसने किन किन को गिन गिन कर साहिब फजीलत बनाया। उसने उसने जिन्हें इस काबिल समझा, ये तमीरी जुमले और ये आप महफूज करेंगे और यही जुमले हमारे अगले आने वाले मराहिल में काम आएंगे कि उसने जिन्हें इस काबिल समझा उन पर फजल अता किया, उन पर अपना फजल नाजिल किया। हर किसी पर फजल नाजिल नहीं हुआ, हजरत आदम के हर बेटे पर फजल नाजिल नहीं हुआ। यहीं से बात मुड़ गई अपनी मंजिल की तरफ। हजरत आदम के हर बेटे पर फजल नाजिल नहीं हुआ, बिल्कुल लीजिए एक दो बेटे आबील और काबील, फर्क बहुत है। जो समझ गए मेरी बात उन तक बात पहुंच गई कि बिल्कुल दो बेटे आबील और काबील, लेकिन फर्क बहुत है। एक साहिब फजीलत बना और एक साहिब लानत बना। तो इसी तरह औलादे आदम जो कयामत तक जा रही है उसमें भी दो ही बेटे रहेंगे, एक साहिब फजीलत रहेगा एक साहिब। सिलसिला है गुफ्तगु है, ये एक सिलसिला नजरिए का है जो कयामत तक जारी और सारी रहेगी। यानी आदम का बेटा ईसाई भी आदम का बेटा, नसरानी भी आदम के बेटे, यहूदी भी आदम के बेटे, बुत परस्त भी आदम के बेटे, मजूसी भी आदम के बेटे, जरदुश्ती भी आदम के बेटे, मुसलमान भी आदम के बेटे, यहूदी ईसाई नसरानी मजूसी जरदुश्ती बुतपरस्त सब कह रहे हैं कि हम हाबील हैं, और मुसलमान कह रहा है कि हम हाबील हैं। तो सब कह रहे हैं कि हम हाबील, यानी हम हक पर हैं और दूसरा जो है वो बातिल पर है। तो अब हक को बातिल का मैयार ये नहीं होगा कि मैं पढ़ के कह दूं कि मैं हक पर हूं और अपने मुखालिफ से कह दूं कि तुम बातिल पर हो। तो यहां पर हक और बातिल का वही मयार रहेगा जो मुबाहले का मयार रहा है।
کہ میں حق پر ہوں میں باطل پر, اس لیے کہ 1400 برس گزر گئے, قرب رسول سے 1400 برس گزر گئے, فاصلہ ہو گیا 1400 برس کا, 14 صدیاں 14 سینچریز. آپ سوچیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, 1400 برس, یعنی ایک حد فاصل ہے جو پیغمبر میں اور آج کی امت میں قائم ہوا ہوا, آج کی ملت میں, آج کی انسانیت میں, آج کے بشر میں پیغمبر سے 1400 برس کا فاصلہ قائم ہوا ہوا. پیغمبر پردے میں ہے, نہیں پوچھ سکتے کہ یا رسول اللہ یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. کتابوں میں وہ روایتیں بھی لکھی گئیں کہ جہاں سلطنتوں نے, جابر بادشاہوں نے, قہار ملوک نے پیسے دے کر روایتیں لکھوائیں, درہم و دینار بانٹ کر روایتیں لکھ, جہاں کتابیں تدوین کی گئیں اور ان کتابوں میں الٹ الٹ اور فوجری کی گئی, ان کتابوں میں کہیں نہ کہیں الٹ الٹ کیا گیا, کسی کی فضیلت کسی کی طرف, تو کتابیں بھی لکھ دی گئیں, حوالے بھی موجود ہیں. میں من جملہ عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں, میں صرف اس پر فوکس نہیں کر رہا کہ میں عالم اسلام کے اندر کی بات کر رہا ہوں, میں من جملہ, میں نے اسی لیے کہا کہ سب آدم کے بیٹے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں. تو اب بہت سی کتابیں لکھوائی گئیں اور کتابوں کے لکھوانے کے مقاصد میں پیچھے مادہ پرستی, پیچھے مٹیریلزم, پیچھے دنیا طلبی, پیچھے شہوت پرستی, یہ ساری چیزیں رہی. اور بعض روایتیں تو ایسی ہوئی کہ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ کسی نے کہا کہ یہ فضیلت جو پیغمبر کے بھائی کے لیے ہے یہ کسی اور کی طرح منتقل کرو. اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا, میں ایسا نہیں کر سکتا. تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور یہ بڑے اصول پسند ہیں, یہ بڑے جری ہیں, دلیر ہیں, اس لیے منع کر رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. وہاں سے دام لگنا شروع ہو, کہا 1,00,000 دینار دیں گے, انہوں نے کہا نہیں کر سکتا, ڈٹ گیا. کہا 2,00,000 دیں گے, کہا نہیں کر سکتا, کہا 3,00,000 دیں گے, کہا نہیں کر سکتا, کہا 4,00,000 دیں گے, کہا لاؤ کاغذ خالا. تو فرما رہے نا, تو یہ تاریخ نے مناظر دیکھے جہاں عیسائیت بھی, یہودیت بھی, نصرانیت بھی, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو تاریخ نے یہ مناظر دیکھے, تو اب کتابوں میں الٹ الٹ ہو چکا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کتب میں, حوالہ جات میں مسائل بہت گمبھیر ہو گئے, اور پھر اب جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں اس میں بھی قدر بیوت ہو رہی ہے, اس میں بھی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, تو آپ کچھ نہیں پتا کہ بھائی کون سچ پر ہے کون جھوٹ پر ہے. تو صرف اس دن کے لیے پیغمبر سے اللہ نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, کہا کہ پھر مباہلہ کیا جائے. تو مباہلے کا میدان آج بھی ایکٹیو ہے, مباہلے کا میدان بند نہیں ہوا. جہاد پر بہت سے نظریات ہیں کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن مباہلے کا میدان آج بھی کھلا ہوا ہے, مباہلے کا میدان آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا. یہ جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا, بھائی مباہلے میں ہوا کیا, مجھے یہاں رکنا نہیں تھا لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں رکوں, مجھے آگے بڑھنا تھا. بھائی مباہلے کا میدان آج بھی ہے, کل بھی تھا, اور قیامت میں بھی مباہلہ ہوگا, قیامت میں بھی مباہلہ ہوگا. تو مباہلے میں ہوا کیا, کیا ہوا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, یہی ہوا نا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یعنی مباہلہ اور مباہلے کا سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے لعنت. یہ لعنت رکے گی نہیں, اس لعنت کو قیامت تک جانا. اسی لیے اللہ نے سورہ مبارکہ اعراف میں ایک منظر بیان کیا, اور منظر یہ بیان ہوا کہ اصحاب جنت اصحاب جہنم سے کہیں گے, یہ لفظ میرا نہیں ہے, اصحاب جنت بھی ہیں اصحاب جہنم بھی ہیں, قرآن کا لفظ سورہ مبارکہ اعراف ہے, کہ اصحاب جنت اصحاب جہنم سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا. تم یہ بتاؤ تمہیں پالنے والوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟
तो वह जहन्नम वाले कहेंगे हाँ। अजीब मरहला है फिक्र आगे लफ्ज कुरान में रखा वो कहेंगे नान। जैसे ही असहाबे जन्नत असहाबे जहन्नम से पूछेंगे क्या तुम्हारे पालने वालों ने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा हुआ, वो कहेंगे हाँ। तो अब ये हाँ कहना कितना बड़ा झूठ है, ये हाँ कह देना असहाबे जहन्नम का इस सवाल पर हाँ कहना ये कितना बड़ा झूठ है। तो उसी झूठ पर एक बार कुरान ने मुत्तसिल आयत को आगे बढ़ाया कि ऐसे में फअज्जना मुअज्जिनुम बैनहुम, ऐसे में इन दोनों के दरमियान एक मुअज्जिन खड़ा होगा। क्या सुन रहे हैं आप? फअज्जना मुअज्जिनुम बैनहुम, असहाबे जन्नत और असहाबे जहन्नम के दरमियान एक मुअज्जिन खड़ा होगा और खड़े होकर अजान देगा। मुअज्जिन का क्या काम है, क्या काम है बोलो ना? मुअज्जिन का काम है अजान देना। तो उस वक्त अजान दी जाएगी, मुअज्जिन खड़ा होकर क्या काम करेगा? अजान देगा ना, अजान देगा। तो उस वक्त अजान में क्या होगा? उस वक्त अजान में ये नहीं होगा अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये नहीं होगा। एक बार वो मुअज्जिन खड़ा होकर कहेगा अल्लानतुल्लाहि अलस सालिमीन। उस दिन एक जालिम आएगा और अपने हाथों को अपने दांतों से काटेगा, काट काट कर कहेगा यौमा यअज्जुज जालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनि इत्तखिज़्तु मअ रसूलि सबीला। ये प्रोग्राम मुझे आगे नहीं पढ़ना, इस पर पूरी तकरीर में कर चुका, लेकिन मुझे यहां रोकना। उस दिन एक जालिम आएगा और जालिम कहेगा हाथों को दांतों से काट काट कर कहेगा ऐ काश मैंने दुनिया में रसूल की सबील को अपनाया होता। या लैतन इत्तखिज़्तु मअ रसूलि सबीला, ऐ काश मैं रसूल के साथ सबील पर रहा होता, काश मैंने रसूल के साथ सबील के दामन को पकड़ा होता।
काश मैंने रसूल के साथ सबील को इख्तियार किया होता, ठीक है, काश मैंने रसूल की सबील को इख्तियार किया होता। ये आगे तर्जुमा, सारे तर्जुमा मैंने आपके हवाले कर दिए। वो जालिम कहेगा ए काश मैंने रसूल की सबील को अपनाया होता, यानी जालिम वो है जो रसूल की सबील से दूर हो जाए। मेरे साथ है दूसरे वाले, जालिम वो है जो रसूल की सबील से दूर हो जाए, और रसूल भी सबील पर है, रसूल की भी सबील है। अभी लफ्ज का तर्जुमा कर दूंगा, और सबील को मुझसे और आपसे बेहतर कौन जानता है, सबील को मुझसे और आपसे बेहतर कौन जानता है। तो जालिम वो है जो रसूल की सबील से दूर है, जिसने रसूल की सबील को इख्तियार नहीं किया। अब चलिए सूरह आराफ पर, और एक बार अजान देगा और कहेगा अल्लानतुल्लाह अला जालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत। कौन जालिम होते हैं? अल्लदीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जालिम वो होते हैं जो अल्लाह की सबील से रोकते हैं। यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो सबील खुदा के आगे आगे खड़े हो जाते हैं, जो अल्लाह की सबील के सामने दीवार बन जाते हैं। कितने तर्जुमे करूं मेरे अजीजों, सलामत रहे आप। मुझे यकीनन हमेशा से फख्र रहा है फैसलाबाद के इस अजीम मजमे पर कि आप जिस तरह से तकरीरें सुनते हैं, और जैसे आपने 18 बरस से मेरा साथ दिया, खुदा आपको साजो आबाद रखे, सलामत रखे, कि जैसे आप एक एक लफ्ज को इख्तियार करते हैं और मुझे पहुंचाते हैं कि आप तक ये लफ्ज पहुंचा है, तो अब ये लफ्ज भी पहुंच जाए कि अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ज़ालिम वो है जो सबील खुदा से रोके। अब वहां पर सबील रसूल और यहां सबील खुदा। अब मुझे बताओ, हर पढ़ा लिखा इंसान मुझे बताओ कि क्या सबील खुदा और सबील रसूल मुख्तलिफ होगी? सबने कहा नहीं, वही सबील खुदा है जो सबील रसूल है, और वही सबील रसूल है जो सबील खुदा, कभी भी इख्तलाफ नहीं है, कभी भी इख्तलाफ नहीं। तो जो सबील खुदा है वही सबील रसूल है। कह दिया अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा, अजीब लफ्ज को डाल दे, अजीब लफ्ज रख दिया, व यबगूनहा इवजा, के फोकस है लफ्ज सबील पर, फोकस है लफ्ज सबील पर। जालिम वो है जो सबील खुदा से रोक दे, और वही जालिम कयामत के दिन कहेगा ए काश मैंने सबील रसूल को अपनाया होता। आयत से आयत, तो अब क्या कहा, भैया वो नहा आएगा जाए, और ये अभी याद है कि जो मैंने अभी अभी जुमला कहा कि इधर की उधर, उधर की इधर की गई, याद है ना जुमला, लफ्ज से लफ्ज जुड़ा हुआ है। 4 लाख दीनार याद आ गए, आ गए ना, तो आप सुनिए, यबगूनहा और उस सबील में कज मुझ रास्ते बना देते। सबील ये है, वो कहते हैं इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, दाएं चले जाओ, बाएं चले जाओ। अल्लाह हू अकबर। मैं क्या अर्ज करूं, परसों मैं सिद्धार्थ की तकरीर में अर्ज कर रहा था कि शैतान ने, जो यहां बैठे सिद्धार्थ वाले उनसे माजरा के साथ, कि अल्लाह से शैतान ने कहा कि परवरदिगार, सबका जाना पहचाना जुमला है, कि जो इसने बदतमीजी की है अल्लाह से, शैतान ने बदतमीजी की, गुस्ताखी की ना अल्लाह से, और मुंह दर मुंह हुआ, मुंह दर मुंह बातें कर रहा, अल्लाह से बदतमीजी कर रहा, गुस्ताखी कर रहा, तो कहा कि या अल्लाह मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। इसका मतलब है शैतान को मालूम है सिरात मुस्तकीम क्या है। शैतान, शैतान जानता है सिराते मुस्तकीम क्या है, तभी उसने कहा कि मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। अल्लाह ने जवाब में ये नहीं कहा कि तुझे क्या मालूम सिराते मुस्तकीम क्या है, लेकिन अल्लाह जानता है कि इसे मालूम है कि सिराते मुस्तकीम क्या है। उसने कहा मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, और जो भी उस सिरात पर आ जाएगा उसे दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा। तो इसी दिन के लिए मैं कहता हूं कि कभी दाएं बाएं वालों पर एजबार ना करना।
ठीक है, तो सभी ले खुदा में टेढ़ पैदा करता, दाएं से बहकाएगा, बाएं से बहकाएगा, आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, यानी सिराज से हटाएगा। दाएं वाला कहेगा मेरी तरफ आ जा, बाएं वाला कहेगा मेरी तरफ आ जा, आगे वाला कहेगा मेरी तरफ आ जा, पीछे वाला कहेगा मेरी तरफ आ जा, चारों तरफ से इसे खींचा जाएगा। अल्लाह चुप हो गया और अल्लाह ने कुदरत मुस्कुरा के कहने लगी, कुरान में लफ्ज नहीं है लेकिन यहां पर मासूम का जुमला आपके हवाले करता हूं, कि अल्लाह को मालूम था कि ये जानता है कि सिर्फ चार समते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, तो अल्लाह ने कहा कि तू दाएं बाएं आगे पीछे से बहकाएगा, एक समत और भी है, वो है आसमान, मैं वहां से हिदायत देने वाला भेजूंगा। तुझे जुमले की जहमत दी, हिदायत देने वाला आसमान से आएगा, सिराते मुस्तकीम बताने वाला आसमान से आएगा, इसलिए कि दाएं बाएं आगे पीछे तो शैतान बैठा है, दाएं बाएं आगे पीछे तो शैतान बैठा है, तो हिदायत देने वाला आसमान से उतरेगा। तो इसलिए आसमानी हादी पर एतबार करो, कोई दाएं से कहे कि मैं हादी हूं, क्या पता कि शैतान बैठा, कोई बाएं वाला कहे मैं हादी हूं, हो सकता है इधर से शैतान हमला कर रहा हूं, आगे से पीछे से शैतान हमला कर रहा हूं, तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं हिदायत को आसमान से भेजूंगा। तो इसका मतलब है सिराते मुस्तकीम जुड़ी हुई है आसमान से, सिराते मुस्तकीम जुड़ी हुई है आसमान से, और शैतान बहकाता है सिराते मुस्तकीम से, टेढ़ पैदा करता है इधर उधर आगे पीछे सिराज से हड़ जाओ। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लदीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वयबगूनहा इवजा, और वो सबीले खुदा में टेढ़ पैदा कर देते हैं, सबीले खुदा में टेढ़ पैदा करते, इधर जाओ इधर जाओ, सिराज पर ना रहो, समझ गए, वहुम बिल आखिरत काफिरून, और ये वो हैं कि जो आखिरत का इनकार करते हैं। जालिम कौन है? जो आखिरत का इनकार करते, जिन्होंने आखिरत को झुठला दिया। आखिरत को झुठलाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आखिरत कोई चीज नहीं है, झुठला दिया नहीं, आखिरत का मतलब ये नहीं है कि कह दिया आखिरत कोई चीज नहीं, नहीं, बात क्या है, देखिए जैसे कुरान ने कहा, कुरान ने क्या कहा, कैफा यहदिल्लाहु कौमन, अल्लाह उस कौम की हिदायत कैसे करेगा जो ये कहती है, जो ये कहती है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फिर भी वो राह हिदायत से भटके हुए। चलिए दूसरी आयत आपके हवाले कर सामने की आयत, सूरह मुबारक है मुनाफिकून, इज जाअक अल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह अल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ये मुनाफिक आपके पास आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिक झूठे, यानी गवाही दे रहे हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उस पर दिल से यकीन नहीं है। इसी तरह आखिरत के इनकार का मतलब यह नहीं कि इनकार कर दिया, जबान से इकरार है लेकिन दिल से यकीन नहीं है। तो जिसे आखिरत पर दिल से यकीन नहीं है वो भी जालिम होंगे। अभी तो बात मैंने अर्ज की है और अब नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं, और यही से गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल होगी, और कल से तफसीलत आपके सामने मैं गोशे अर्ज करूंगा, और बहुत कीमती गोशे इंशाअल्लाह। जो फरमा रहे ना, तो कहा कि ये वो हैं कि जो सबीले खुदा से रोकते हैं, और ये सबीले खुदा में दाएं बाएं रास्ते निकाल देते हैं, इधर उधर आगे पीछे टेढ़ पैदा करते हैं, और इनका आखिरत पर यकीन नहीं, ये आखिरत से इनकार करते हैं। ठीक है, सूरह मुबारक है मोहम्मद, दुरूद तो बनता है ना, आयतें सुना और उसके बाद मैं नतीजा आपके हवाले करता, सूरह मुबारक मोहम्मद में इरशाद फरमाया अल्लदीना कफरू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ल अमालहुम, जिसने सबीले खुदा का इनकार किया, जिसने सबीले चुपकी हो गया, जिसने सबीले खुदा का इनकार किया, अज़ल्ल अमालहुम, अज़ल्ल अमालहुम, उसके सारे अमाल गलत, उसके सारे अमाल गलत,
जिसने सबील खुदा का इनकार किया, इसका मतलब है कि आमाल कर रहा है। इधर सलामत रहे, इसका मतलब है कि आमाल कर रहा है। तो अल्लाह ने क्या कहा, जिसने सबील खुदा का इनकार किया अब उसके सारे आमाल गलत कर देते, उसके सारे आमाल गलत। तो जब फरमाने जा रहे हैं, अब देखिए लफ्ज जो कुरान ने इस्तेमाल किया ना, सद का स्वाद दाल सदा यानी दीवार बन जाना, तो सबील खुदा के साथ लफ्ज सद ये बहुत अहमियत रखता है। सबील खुदा के साथ लफ्ज सद यानी दीवार बन जाना ये बड़ी अहमियत रखता है। वहां पर क्या कहा, अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो सबील खुदा के सामने दीवार बन जाते हैं। और अब सूरह मुबारक नहल में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फौकल अज़ाब। आसान आयतें होती है, उसको तो समझा करें। ताकि जो सबील खुदा का इनकार करेगा और सबील खुदा के सामने दीवार बन जाएगा। अब यहां दोनों लफ्ज आ गए, एक आयत में सिर्फ दीवार का लफ्ज, सूरह मोहम्मद में सिर्फ कुफर का लफ्ज, ये सबील खुदा का इनकार, और यहां दोनों लफ्ज आ गए। कहा कि अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जो लोग सबील खुदा का इनकार करें और उसके सामने सद्द राह बन जाए, उसके सामने दीवार बन जाए, उसको मजबूत कर दे, उसका इनकार कर दे, वो कौन है, ज़िदनाहुम अज़ाबन फौकल अज़ाब, हम उनके अज़ाब पर अज़ाब, अज़ाब पर अज़ाब, अज़ाब पर अज़ाब, हम उनके अज़ाब में इजाफा करते चले जाएंगे, इजाफा करते चले जाएंगे। बेमा कानू युफ़सदून, के जो इन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया, इसका मतलब है सबील खुदा से रोकना सबसे बड़ा फसाद है। सबील खुदा से रोकना सबसे बड़ा फसाद है। तो सबील खुदा से रोकना जुल्म है, सबील खुदा से रोकना कुफ्र है, सबील खुदा से रोकना मुजीबे अजाब है, सबील खुदा से रोकना आमाल की गारत गरी है, सबील खुदा से रोकना सबसे बड़ा फसाद है। रसम मेरी बेहद पर तो आप गौर फरमाए कि सबील खुदा से रोकना कुफ्र है, सबील खुदा से रोकना जुल्म है, सबील खुदा से रोकना अजाब, सबील खुदा से रोकना आमाल की गारत गरी, सबील खुदा से रोकना कुफ्र, सबील खुदा से रोकना फसाद। सारी बातें समझ में आ गई, यानी सबील खुदा से रोका तो यही फसाद है। वहां बैठे हैं आप, सबील खुदा से रोकना क्या कहा, यही फसाद है। चाहता तो अभी आयत पढ़ देता जो आपके जहनों में है, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगा तो हजरत तबीयत और बुलंद हो जाएगा, आपकी तबीयत में और वारफ्तगी आ जाएगी, इसीलिए मैंने आयत को रोका। आयत आपके जहनों में है, बड़ी सामने की आयत, सबील खुदा से रोकना फसाद, सबसे बड़ा फसाद यह है कि सबील खुदा से रोका जाए। एक बार सवायत मुहर्रका इब्ने हजर मक्की आलिम अहले सुन्नत, और मैं इसीलिए उलमाए अहले तशन्नुन का बड़ा एहतराम करता हूं और हमेशा कहता हूं कि शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं, और ये मुहर्रम का महीना महीने इत्तेहाद ही है, इसमें कोई फसाद नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, इसलिए कि हुसैन सबके, हुसैन सबके, करबला सबकी है। शर्त करबला और हुसैन को अपनाने की यह है कि तुम्हें कुफ्र के खिलाफ डट जाने की हिम्मत हो, कुफ्र के खिलाफ डट जाने की हिम्मत हो, तब कहो कि मैं हुसैनी हूं, तब कहो कि मैं करबलाई हूं। तो कुफ्र के खिलाफ डट जाना सिर्फ ये नहीं है कि क्लाशनकोफ लेके मैदान में आ गए, ये मेरा मौजूद रहेगा, और कल से मैं इसकी तफसीलात आपके हवाले करूंगा। आज की तमीजी तकरीर है मकामात हैदरिया, और आपके हवाले जुमले ये कह दिया, ये फसाद है, सबसे बड़ा फसाद सबील खुदा से रोकना। सवायत मुहर्रका इब्ने हजर मक्की एक बार कहते, बड़ी सामने की बात है, बच्चे बच्चे को इंशाल्लाह याद है, और नहीं है तो याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक बार कहा कि अल्लाह हो तो, कहा कि जन्नत वाले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ, फैसला हो चुका, आमाल की बुनियाद पर फैसला हो चुका कि किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में। और एक बार फौरन आवाज आएगी, ओके वो हम इन्हें रोको, इन्हें मसूलून, इनसे एक सवाल होना है, ओके वो हम इन्हें मसूलून, रोको इन्हें रोको, इनसे एक सवाल होना है, रोका जाएगा, और रोका जाएगा तो क्या सवाल होगा,
तो आलिम अहले सुन्नत इब्ने हजर मक्की ने शवाहिद मुहर्रका में लिखा कि जब पूछा गया कि किस चीज का सवाल होगा तो उन्होंने बबांगे चोहल लिखा, चार लाख दीनार में नहीं लिखा। बबांगे चोहल लिखा अल विलायत अली इब्ने अबी तालिब। सवाल होगा अली की विलायत मकामात हैदरिया याद है मां कहा कि जन्नत जहन्नम मालो सबसे सवाल होगा ये बताओ मास पढ़ ली रोजा रख लिया हज कर लिया कर लिया जकात दे दी जिहाद किया बहुत किया जा जन्नत में जा जन्नत में तुमने नमाज पढ़ी नहीं रोजा रखा नहीं हज किया नहीं जकात दी नहीं जिहाद किया नहीं जा जहन्नम चले जन्नत वाले जन्नत की तरफ जहन्नम वाले जहन्नम की तरफ का दोनों को रोको इनसे सवाल होगा अन विलायत अली इब्न अबी तालिब ये अहले सुन्नत तफसीर इसीलिए सुन्नी शिया में कोई इख्तलाफ नहीं है और जो भी इख्तलाफ की बात करता है वो फसाद करता है इख्तलाफ तो है नहीं अगर शिया हक पर है सुन्नी हक पर है तो हक और हक में इख्तलाफ कैसा हक और हक में इख्तलाफ नहीं है तो जो फरमाई आपने ये आलिम अहले सुन्नत की तफसीर यहां लिखा कि अल विलायत अली इब्न अबी तालिब सवाल होगा अली की विलायत पर यह नहीं कहा कि सवाल होगा अली की खिलाफत पर अली की विलायत पर सवाल होगा अली की विलायत पर सवाल होगा यह है तफसीर अहले तसन्नत और एक बात अहले तशय्यो आलिम ने लिखा कि पूछा जाएगा कि सवाल किस चीज का है का अल विलायत अली इब्न अबी तालिब आ गई बात उन्होंने फौरन तफसीर में आयत लिखी कि यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैह अब नतीजा आ रहा है सारी सबीलुल्लाह सबील रसूल की आयतें याद है जो मैंने पढ़ी सारी तफसील याद है कि सबीले खुदा क्या है सबीले रसूल है और सबीले खुदा है अब फैसला होने जा रहा है कि सबील कहते किसे सारी आयतें जहन में ले आना कि सबीले खुदा सबीलुल्लाह मुअज्जिन अज़ान देगा कि ज़ालिम पर लानत कि जिन्होंने सबीले खुदा से रोका वो ज़ालिम जो सबीले खुदा का इनकार करे वो काफिर जो सबीले खुदा से रोके वो मुफ़सिद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मैंने कहा सर साजिद साहब भी आ जाए तो नतीजा आपके हवाले करो तवज्जो है इब्नुल जशुब लाइए मौला आपको सलामत रखे तवज्जो है सब मेरे साथ सबील खुदा की सारी आयतें याद सबील रसूल की सारी आयतें याद अल्लाह की सबील भी है और रसूल की सबील भी अल्लदीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह ये लोग वो है जालिम ये जो सबील खुदा से रोकते थे सबील खुदा का इनकार कुफ्र सबील खुदा का इनकार फसाद सबील खुदा का इनकार जुल्म सबील खुदा का इनकार आमाल गारत ठीक है ये सारी चीजें याद है और मुअज्जिन कहेगा कि सबील खुदा से इनकार करने वालों पर लानत और अब आलिम वक्त ने लिखा कि जैसे ही आयत सुनाई कि यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैह यकूलु या लैतनी इत्तखिज़्तु मअ रसूल सबीला वो ज़ालिम कहेगा ऐ काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता तो अब आलिम लिखते हैं और मेरे मकतब के आलिम ने लिखा कि वो जालिम कौन होगा तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो कहता तो होगा कि अल्लाह एक है जो कहता तो होगा रसूल भी है लेकिन वो ये कहेगा ऐ काश मैंने अली को भी वली माना होता
काश मैंने अली को वली माना होता। इसका मतलब है कि जो अली को वली मानता है वो जालिम नहीं है। और आलम इस्लाम का कौन सा मतलब है जो अली को वली ना माने? सभी मानते, चाहे बरेली भी हो, चाहे शाफी हो, चाहे हम्बली हो, चाहे कोई भी हो, सब अली की विलायत पर यकीन रखते हैं। सब अली की विलायत पर यकीन रखते हैं। कह दिया कि भाई वो गवाही तो देंगे लेकिन उनसे पूछा जाएगा विलायत अली मानी थी या नहीं। अब आहिस्ता से कह दू, नतीजा ये निकला कि सबीलुल्लाह है विलायत अली, सबील रसूल है विलायत अली। और मुअज्जिन खड़े हो के कहेगा यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये वो जालिम है कि जो अली की विलायत से रोकते थे, जो अली की विलायत से रोकते थे, तो जो अली की विलायत से रोके वो जालिम, जो अली की विलायत से रोके, बोलते जाए ना आप, जो अली की विलायत से रोके उसके सारे आमाल। अब कुरान ने कहा बेमा कानू युफ्सिदून, इन्होंने जो फसाद दुनिया में फैलाया था, इसका मतलब है कि अली की विलायत से रोकना फसाद। इसलिए अल्लाह ने कहा, जो मैंने कहा आयत तुम्हारे जहनों में, अल्लाह ने क्या कहा, ला तुफ्सिदू फिल अर्ज, जमीन पर फसाद बरपा ना करो। अल्लाह जिसे चाहता है फजल अता करता है, जिसे चाहता है फजल अता करता है। वल्लाहु ज़ुल फजल अज़ीम, सूरह बकरा के जुमा में कहा वल्लाहु ज़ुल फजल अज़ीम, और सूरह बकरा के बकरा में कहा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसीअ इल्म रखता है, वो इल्म रखता है, इसलिए उसे मालूम है किसको फजीलत देना, किस पर फजल नाजिल करना। तो फजीलत अली और मकामात हैदरिया के मुकर है आलम इस्लाम के हर पढ़े लिखे इंसान, हर इंसान जो पढ़ा लिखा है वो फजीलत अली का इकरार करता है, कोई भी फजाइल अली का इनकार नहीं करता, सब फजाइल अली का इकरार करते हैं। और जहां फजीलत अली का इनकार आ जाए वहां करबला नजर आ जाए, जहां फजाइल अली का इनकार हो सामने करबला, तो फजीलत अली का इनकार करबला तक ले जाती है। इसलिए कहने वालों ने कह दिया कि करबला क्यों बर्पा हुआ, करबला क्यों बर्पा हुआ, आज बैठे हो ना, पहली मुहर्रम आ गई 1446 हिजरी और पश की पहली तारीख मुहर्रमुल हराम, मुहतरम महीना, बड़े एहतराम वाला बड़ा तकद्दस महीना कि जिसमें दौरे जहालत में भी जंग नहीं की जाती थी, जंग नहीं की जाती थी, दौरे जाहिलियत में भी जिसमें जंग नहीं की जाती, तकद्दस वहां नहीं जाती। सफीन का मैदान सजा है, ज़ुलहज में शुरू हुई सफीन, तकरीबन 2 महीने ये जंग इसलिए जारी रही कि बीच में मुहर्रम का महीना आ गया था, तो मुहर्रम में दोनों ग्रोहों ने जंग नहीं की, और फिर ये पहली सफर से 10 सफर तक जंग शुरू हुई। तो मुहर्रम में कोई भी जंग नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह का महीना, और जहां अल्लाह के महीने में अल्लाह का बंदा हुसैन सामने आ जाए तो वहां तो कोई काफिर भी होता, कोई मजूसी भी होता, कोई ईसाई भी होता तो हाथ रोक लेता। यहां शर्त नहीं है कि कौन ईसाई, कौन काफिर, कौन यहूदी, कौन मुसलमान। आले मोहम्मद को पहचानने के लिए शर्त यह है कि इल्म होना चाहिए। कभी आलिम आले मोहम्मद के सामने नहीं आया,
नसरानी जो नसारा नजरान थे वो ओलमा थे, वो पढ़े लिखे थे, इसलिए मुबाहले से हट गए कि हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, जानते थे कि तौरात और ज़बूर और इंजील में इन हस्तियों का जिक्र मौजूद है और जहालत हमेशा आले मोहम्मद के मुकाबले में ले आती है। इसीलिए इन मजालिस का मौजू हमेशा से इल्म रहा है, इसलिए कि इल्म और आलिम बन जाओ तो कभी भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुकाबले में नहीं आओ और किसी को कबूल भी नहीं करो। तो करबला में इल्म का जहालत से मुकाबला था, करबला में हक का बातिल से मुकाबला था, करबला में सच का झूठ से मुकाबला था, करबला में दो ताकतें थीं कि जिनमें यकीनन हक पर हुसैन है और यजीद मलाऊन बातिल पर और कयामत तक बातिल पर रहेगा। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीज, 1446 वर्ष हो गए करबला बरपा हुए, आज पहली मुहर्रम, जरा 60 हिजरी के 61 हिजरी के पहले मुहर्रम को सोचो कि इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त हुसैन का काफिला किस मंजिल से गुजर रहा है, करबला से बिल्कुल करीब हुसैन, बस दो मंजिल रह गई करबला में और दो मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंच जाएंगे। आज वो मंजिल है कि हुसैन करबला की तरफ गामजन है, सामने यजीदी लश्कर है, हजारों की तादाद में हुसैन को घेरने के लिए आ गया। बस एक ही जुमला है इस पर मुझे यकीन है कि कोई दहन ऐसा, कोई जबान ऐसी नहीं होगी जो हाय ना कह दे कि क्या उन यजीदियों को यह मालूम नहीं था कि हुसैन के साथ अली की बेटी थी। अजरों को मदद ला, हुसैन के साथ नबी की नवासी भी, हुसैन के साथ हुसैन की 4 बरस की छोटी सी बच्ची थी, हुसैन के साथ हुसैन के अहले हरम भी है, हुसैन की अजवाज भी है, घर वालों को लेके आए हैं। तो गोया ये करबला नहीं है, ये मुबाहला था कि जो हुसैन मैदान करबला में बर्पा कर रहे थे। रसूल मुबाहले में घर वालों को लेकर आए थे, घर वालों को लेकर आए थे, रसूल की बेटी बाहर आ गई थी। मुबाहला इतनी बड़ी जंग का नाम है, इतने बड़े मार्के का नाम है कि रसूल की बेटी को बाहर आना पड़ा, लेकिन रसूल के साथ आ, रसूल लेकर आए, शौहर भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं, बाप भी साथ है। तो जो हमारी बात मैंने जुमला कह दिया, हुसैन भी अपनी बहनों को साथ लेकर आए, बेटी को साथ लेकर आए, बच्चों को साथ लेकर आए, भाई को साथ लेकर आए, बेटे को साथ लेकर आए और कयामत तक हुसैनियत यही कह रही है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो जहाँ पर झूठ है वहाँ पर लानत है मेरे अजीजों। खत्म हो गई गुफ्तगू। ये काफिला कोई एक मुहर्रम को नहीं चला है, ये काफिला 28 रजब को चला है। हाय कह रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों को, देख रहा हूँ आपकी आंखें अश्कबार हैं। मुहर्रम का यही उसूल है, यही आइन है कि बस रोते जाओ, गिरिया करते जाओ। किस पर गिरिया करना है? अपने किसी बनाए हुए पर नहीं, रसूल के नवासे पर, उस हुसैन पर कि जिसकी माँ को 18 बरस में सिर्फ ये अरमान रहा कि मेरे बेटे को रोएगा कौन। उस हुसैन पर गिरिया करना है जिसकी माँ का ये अरमान था कि बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन, मेरे बेटों पर अश्क कौन बहाएगा। ये हुसैनी काफिला, ये हुसैनी कश्ती आंसुओं के समंदर पर रवा दवा है। गिरिया करते जाना और मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, इस मजलिस में भी जाना हाय ज़रूर कहते, आंसुओं का इंतज़ार ना किया करो, आंसू कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन ये ज़बान अपने इख्तियार में है, हाय कहते रहा करो। इस एक माँ बहुत खुश होती है, एक उजड़ी हुई माँ बहुत खुश होती है, वो माँ जो हर अज़ा खाने में आती, जिसके घर में अज़ा खाना सजता है, जहरा वहाँ आ जाए, इतनी बेकस माँ है, इतनी उजड़ी हुई माँ है, उसे कुछ नहीं चाहिए अज़ादारों तुमसे, सिर्फ वो हाथ में रुमाल लेके ये देखती है कोई है जो मेरे हुसैन पर आंसू बहाए और इन आंसुओं को जमीन पर मादर हुसैन गिरने नहीं देती।
अल्लाह को यही तो बनता है मेरे अजीज, बस गिरिए से ये काफिला आगे बढ़ता रहे। 28 रजब हुसैन की सवारियां तैयार हो गई, चले हैं हुसैन। 10 दिन के हैं, नन्ना सा शीरखार मुजाहिद, कुल 18 दिन का, और उसमें हुसैन लेकर चले हैं। बीबी सकीना 3.5 बरस, लेकिन मैं चाहता हूं अगर मुझे इजाजत दो तो, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हुसैन की नन्ही सी दो बेटियां थी, दो बेटी। मां के नाम में इख्तलाफ है, लेकिन यह बात तय है कि दो बच्चियां थी नन्ही नन्ही, एक 3.5 बरस की, एक 4 बरस की। 3.5 बरस की बच्ची का नाम रुकैया, 4 बरस वाली बच्ची का नाम सकीना। दोनों से बाप बड़ी मोहब्बत करता था, दोनों बच्चियों को लेकर चला। सुनोगे जुमला? ये जुमला तो वो पढ़ता 10 मुहर्रम को, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने वो रिवायत सुनी होगी ना, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, हाय करना तुम्हारा काम है। तुमने रिवायत सुनी होगी ना कि जैसे ही काफिला लुटा हुआ 11 मुहर्रम को आगे बढ़ा है, तो एक बच्ची ने अपने आप को बाबा के सीने पर गिरा लिया। रावी कहता है वो 3.5 बरस की छोटी सी सकीना थी, छोटी सी रुकैया, जिसे ताजिया ने मार मार के हुसैन के लाशे से जुदा किया। अजरों को मान लो हुसैन की मजलूमियत से बेहद अजीब, हुसैन कोई किसी कम मजलूम इंसान का नाम नहीं। 28 रजब फहरिश तैयार हो रही है, सकीना हुसैन की पुश्त पर खड़ी हुई, 4 बरस की सकीना हुसैन की पुश्त पर खड़ी हुई। हुसैन अब्बास फहरिश लिखवा रहे, नाम लिखो, सबके नाम, सबके नाम। हुसैन ने सबके नाम लिखवा दिए। ऐसे में सकीना मुड़ के गई, एक हुजरे में चली गई। एक हुजरे में जाके कहती है, जैसी लफ सुनोगे ना समझ जाओगे किसका हुजरा। हुजरे में जाके कहती है, बहन सबके नाम लिख गए, तुम्हारा नाम नहीं था। अजरों को बदल लो, बहन सबके नाम फहरिस्त में, तुम्हारा नाम। एक बार सुगरा बिस्तरे बीमारी से बुलंद होके कहती है, सकीना क्या कह रही है, क्या बाबा कहीं जा रहे हैं, अपने सफर बांध लिया है। कहां बाबा कल जा रहे हैं, बहन सबका नाम है, मैं अभी फहरिस्त देख कर आ रही हूं, आपका नाम है। वो ये सुनना था कि सोहरा का गिरिया बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऐसे में हुसैन हुजरे सोहरा में आ गया। सुगरा ने चाहा कि खड़े होके बाबा से लिपट जाए, हुसैन आगे बढ़े, सुगरा के बिस्तर पे बैठ गए, बच्ची को सीने से लगा लिया। सोहरा सोहरा तुम्हें पता है तुमसे कुछ कहने आया हूं। कहा, बाबा मैं जानती हूं आप कल जा रहे हैं, बाबा मैं आपसे नाराज हूं। कहा, क्या बात है? कहा, बाबा मैंने सुना है सबको ले जा रहे हैं, मुझे नहीं ले जा रहे। बाबा जाने वालों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं। सुगरा को सीने से लगा लिया, सुगरा के रुखसार पर प्यार किया। हुसैन के भी आंसू बह रहे हैं, सुगरा के भी आंसू बह रहे हैं। मालूम क्या क्या याद आ रहा था सुगरा को, बीबी को क्या क्या याद आ रहा था, ये सारा घर भरा हुआ है और कल सारा घर खाली हो जाएगा। ये तो उस वक्त पता चला कि सुगरा के दिल में अरमान क्या था। आखिरी जुमला तकरीर का, सुगरा के दिल का अरमान उस वक्त मालूम हुआ जब काफिला जाना शुरू हुआ। सुगरा दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, नानी उम्मे सलमा का हाथ पकड़े हुए एक बार दरवाजे से देखा काफिला जा रहा है। कह, नानी ये कौन से नाते जा रहे हैं? कहा, इन पर मशके बार है। दूसरे नाते बड़े का, नानी ये कौन से नाते हैं? कहा, इन पर शामियाने लदे हुए हैं। आगे बढ़ी, कहा, नानी ये कौन से काफिले हैं? कहा, इन पर सामान सफर लदा हुआ है। कुछ नाते जिन पर महमिले थी, जब वो आना शुरू हुए, सुगरा ने कहा, नानी वो दूर किसका नाका नजर आ रहा है? कहा, तुम्हारी माँ उम्मे लैला का नाका। वो नाका आगे बढ़ गया। सुगरा ने कहा, नानी ये किसका नाका जा रहा है? कहा, बीबी उम्मे रबाब का नाका। कहा, अली अजगर खुदा हाफिज, अली अजगर खुदा हाफिज। कहा, नानी ये किसका नाका जा रहा है? कहा, बीबी उम्मे फरवा का नाका। कहा कि बीबी उम्मे फरवा खुदा हाफिज, बीबी उम्मे रबाब खुदा हाफिज। एक एक बीबी का नाका जाता रहा, हर बीबी का नाम ले ले के सुगरा कहती रही, खुदा हाफिज उम्मे रबाब खुदा हाफिज, उम्मे लैला खुदा हाफिज, बीबी जैनब खुदा हाफिज, बीबी उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, सबको खुदा हाफिज कह दिया।
अब घोड़े आना शुरू हुए, नानी ये कौन जा रहा है? का तुम्हारा बाबा हुसैन जा रहा है। एक बार सोहरा ने झुक कर सलाम किया, बाबा अलविदा, बाबा अलफिराक। का नानी ये किसका नाता? कहा तुम्हारे चचा अब्बास का नाता। कहा चचा अब्बास खुदा हाफिज। का नानी ये किसका घोड़ा? कहा ये घोड़ा जा रहा है जिसपे कासिम सवार है। कहा भैया कासिम खुदा हाफिज, भैया कासिम अलविदा। कहा ये किसके ना घोड़े जा रहे? कहा आन मोहम्मद के घोड़े जा रहे। कहा भैया आन खुदा हाफिज, भैया मोहम्मद खुदा हाफिज। एक एक जवान को खुदा हाफिज कहा। अब एक घोड़े पे निगाह पड़ी, सुगरा ने कहा ये किसका घोड़ा? कहा तुम्हारे भैया अली अकबर का घोड़ा। अब तक खुदा हाफिज कहने वाली सुगरा ने कहा, नानी जरा भैया को रोको, मैं भैया से बात करना चाहती हूँ। अली अकबर दौड़ कर आए, सुगरा को सीने से लगाया। सुगरा ने कहा भैया मुझसे वादा करो, जब शादी होगी तो मुझे लेने आओगे, मैं तुम